घर के पीछे मिला डायनासोर का कंकाल। पुर्तगाल में यूरोप के सबसे बड़े डायनासोर के केटलेटन की खोज, ये 15 करोड़ साल पुराना है। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। पुर्तगाल के शहर में डायनासोर के अवशेष मिले हैं, जो यूरोप में खोजे गए अब तक के अवशेषों में सबसे बड़े माने जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जीवाश्म किसी पहाड़ी या जंगल में नहीं, बल्कि एक शख्स के घर के पीछे वाले गार्डन में मिला है। कंकाल यूरोप में रहने वाले सबसे बड़े डायनासोर की तरफ इशारा करता है। 2017 में कंस्ट्रक्शन के वक्त मिला फॉलिस रिपोर्टर के मुताबिक, घर के मालिक को डायनासोर के अवशेष तब मिले जब उसे अपने बैकग्राउंड में कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना था। उसने नींव बनाने के लिए जमीन की खुदाई शुरू की तो अजीबोगरीब हड्डियां नजर आई। इसके बाद व्यक्ति ने तत्काल लिप्सन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को फोटो भेजकर इस खोज की जानकारी दी। घटना के बाद यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने उस जगह खनन का काम शुरू किया। 15 करोड़ साल पुराना है स्केटलैंड। पुर्तगाल और स्पेन के वैज्ञानिकों ने गार्डन से ये सभी अवशेष निकाल लिए। काम पूरा होते ही उन्हें समझ में आया कि डायनासोर 82 फीट लंबा था, साथ ही 39 फीट ऊंचा भी था। स्केटलेटर पर अपर जुरासिक सेडिमेंटरी रॉक्स में मिला है, यानी यह लगभग 15 करोड़ साल पुराना है। डायनासोर की मृत्यु किसी परिस्थिति में हुई, इंटरनेशनल टीम अब इस रिसर्च कर रही है। डायनासोर सौरप्रण प्रजाति का है। रिसर्च ने जांच के बाद बताया कि डायनासोर सौरप्रण प्रजाति का है। यह 4 पैरों वाला शाकाहारी डायनासोर था। इसकी गर्दन और पूंछ लंबी और सिर छोटा होता था। यह जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर था। इस खोज के बाद वैज्ञानिक डायनासोर का 3D बॉडी स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उसके शरीर के आंतरिक हिस्सों का नक्शा खींच सकते हैं। डायनासोर के बारे में आप क्या सोच सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।